हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपके साथ शेयर करेंगे चिकन लहसुनी बनाने की रेसिपी और देंगे इसके सारे ही टिप्स वीडियो के एंड में। ये चिकन बहुत ही इजी और बहुत ही आसानी से बन जाने वाला चिकन है, यानी कि डिश है, और इसको बनाना बहुत आसान भी है। जो हमारा मेथड है उस मेथड से अगर आप बनाएंगे तो देखेंगे कम मसालों में और फुल फ्लेवर्ड, यानी कि आपको पूरा ही इसमें लहसुन का फ्लेवर आएगा और बहुत ज़्यादा टेस्टी और बहुत ही आसानी से बन जाता है। तो चलिए हम आज इसको बनाते हैं और देखते हैं हमें इसे कैसे बनाना है। इसके लिए सबसे पहले एक कढ़ाई को हम गैस पर रखेंगे और उसमें डालेंगे थोड़ा सा घी और उसमें डाल देंगे इस तरह से कटी हुई प्याज और कुछ सेकंड इसको चलाएंगे और उसके बाद में इसमें हम ऐड करेंगे अदरक और साथ ही डाल देंगे इसमें हम छिला हुआ लहसुन। कुछ सेकंड चलाने के बाद में इसमें हम ऐड करेंगे रफली कटे हुए टमाटर। इन चीज़ों को रफली ही काटें क्योंकि इनका हमें एक फाइन पेस्ट बनाना है, तो सॉटे कर लेंगे जिससे चीज़ें सॉफ्ट हो जाएं और उसके बाद में इसका एक फाइन पेस्ट तैयार करेंगे। और अब यहाँ पर हमने कुछ साबित मसाले ले रखे हैं जिसमें धनिया, सौंफ, ज़ीरा और काली मिर्च है। इसको हम ड्राई रोस्ट करेंगे और जब एक अच्छी सी खुशबू आने लगेगी और पूरी तरह से भुन जाएंगे तब हम इसका एक फाइन पाउडर बना लेंगे। तो इसको निकाल लेते हैं, ये भुन चुके हैं। और अब वापस से इसी पैन में हम घी डालेंगे और इसके बाद में इसमें हम डालेंगे छिले हुए लहसुन के जवे और 3-4 सेकंड इसे चलाएंगे और उसके बाद में वॉश किया हुआ चिकन इसमें हम ऐड करेंगे। चिकन डालने के बाद में पहले हम चिकन का जो भी पानी है उसको एकदम ड्राई कर लेंगे और ये वाला जो स्टेप है बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर आप यहाँ पर चिकन के पानी को पूरी तरह से ड्राई कर लेते हैं तो उसके अंदर से एक तो चिकन का जो भी कच्चापन है वो भी ख़त्म हो जाता है, एक खुशबू सही हो जाती है उसकी, और साथ ही जो लहसुन हमने डाला है इसका भी इसमें फ्लेवर अच्छे से आ जाता है। तो अब हम डाल देंगे बीट किया हुआ यहाँ पर दही क्योंकि चिकन का पानी पूरी तरह से ड्राई हो चुका था, और अब जो दही में से पानी छूटेगा इस पानी के अंदर हम इस चिकन को गलाएंगे। तो गलाने का काम पहले कर लेते हैं, बाकी के मसाले इस डिश में लास्ट में ऐड किए जाते हैं। तो इस दही के अंदर इस चिकन को हम गला लेंगे, उसके लिए हम इसे ढक देंगे और 10 से 12 मिनट के बाद में इसको हम चेक करेंगे। गैस को एकदम लो रखना है। 10-12 मिनट हो चुके हैं और अब आप देख सकते हैं चिकन का पानी ड्राई हो चुका है पूरी तरह से, जो भी दही से पानी छूटा था बीच बीच में, इसको हमने कई दफ़ा चलाया भी था और ये गल भी चुका है, पूरी तरह से टेंडर हो गया है। और अब यहाँ पर हम कुछ मसाले ऐड करेंगे जो कि हमने तैयार करके रखे थे, जिसमें से ये पेस्ट है जो हमने प्याज, लहसुन, अदरक और टमाटर का बनाया था, इसको हम ऐड करेंगे। और इसके बाद में जो ड्राई मसाला तैयार किया था वो ऐड कर देंगे और अब इसमें हम डालेंगे गरम मसाला। ये हमारा होममेड है, इसका भी लिंक हम आपको दे देंगे। और ये है पीली मिर्चें, तो पीली मिर्च का पाउडर डालेंगे और ये डालेंगे थोड़ी सी हल्दी। हल्दी की क्वांटिटी इसमें काफ़ी कम पड़ती है। साथ ही डाल देंगे नमक, वो टेस्ट के अकॉर्डिंग ही डालेंगे। और अब इन मसालों को अच्छे से मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद में इसमें हम ऐड करेंगे पानी। पानी उतना हमें डालना है जितनी हमें इसकी ग्रेवी रखना है, तो पानी डाल देंगे। ग्राइंडर जार में जो थोड़ा सा मसाला था उसके अंदर ही हम पानी को डाल देंगे और इसमें डालेंगे जिससे जो भी थोड़ा बहुत मसाला है वो इसमें आ जाए। और अब हमने ऐड किया था यहाँ पर लेमन जूस, और अब इन चीज़ों को मिक्स करके एक बॉयल आने देंगे और गैस को लो करेंगे 2 मिनट के लिए। उसके बाद में हम फिर से इसको चेक करेंगे।
2 मिनट हो चुके हैं, इसको चेक कर लेते हैं। एक बार चलाएंगे और उसके बाद में हम गैस को ऑफ़ करेंगे और कम से कम 4 से 5 मिनट के लिए इसको ऐसे ही छोड़ेंगे, जिससे घी अच्छे से इसके ऊपर छुटके आ जाए। उसके बाद में ही इसको हम डिश आउट करेंगे। तो अभी हमारा चिकन तैयार है, जो बहुत ज़्यादा टेस्टी है, और आपने देखा कितना इजी है, इसको गार्निश कर देंगे। चलिए अब टिप्स भी देख लेते चिकन, हैं। आप इस चिकन को बिना हड्डी के यानी कि बोनलेस चिकन में भी बना सकते हैं। बहुत से लोग इसको बोनलेस चिकन बनाना पसंद करते हैं, लेकिन हम इसको विद हड्डी ही बनाते हैं, तो ये ज्यादा टेस्टी लगता है। बनाते पर इसमें आप करी लीव्स वगैरह का बिल्कुल यूज ना करें, क्योंकि इसकी खुशबू बहुत ज्यादा तेज होती है। उसकी वजह से लहसुन का जो फ्लेवर होता है, जैसे कि इसका नाम है लहसुनी चिकन, तो उसका फ्लेवर दब जाता है। तो आप करी लीव्स वगैरह का यूज ना ही करें तो ही ज्यादा अच्छा है। चाहे तो इसमें लहसुन के जवे छील कर डालने की जगह साबित लहसुन यानी के बने हुए पूरे बल्ब भी डाल सकते हैं। हो सके आप इसमें हंग कर्ड का ही यूज करें और दही को बीट करके ही डालें, नहीं तो उसमें लम्स पड़ने का डर रहता है। ये तो थे सारी टिप्स आज के साथ ही। फ्रेंड्स, आपसे हमारी हम्बल रिक्वेस्ट है, अगर आपको हमारी रेसिपीज पसंद आती हैं तो लाइक और सब्सक्राइब किए बिना ना जाएं। आगे भी हम आपके लिए बहुत अच्छी अच्छी रेसिपीज लेकर आते रहेंगे। थैंक यू एंड